जादू से जो आप सूट निकाल रहे नाज़रीन को बेच रहे हैं, ये देखो ये देख सकते हैं बिल्कुल खाली मिला देते हैं जी, बिल्कुल खाली है, देखें ठीक हो गया। ठीक है, और इसके बाद मैं इसके अंदर वाला बॉक्स दिखाऊंगा, ये देखें ये भी बिल्कुल खाली है नाज़रीन, ये देखें मेरा हाथ, ये देखें ये बिल्कुल खाली है, ये बिल्कुल खाली है, और कहीं कहीं मोबाइल कहीं इस बॉक्स के अंदर ना हो, ये देखें, ये देखें ये बिल्कुल खाली है। मुदस्सर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सर की बातें, देखते हैं को सुनते कानों को मेरा सलाम। जितने नाज़रीन आप मेरे अकम में एक शख्सियत देख रहे हैं, जी हाँ ये वो शख्सियत हैं जो किसी तारफ़ के मुताज नहीं, इसे आप नहीं मैं नहीं पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान में एक इनका बड़ा नाम है। जी हाँ हमारे साथ मौजूद हैं अदील भाई, ये एक मैजिशियन है, कोरोना की नई लहर आती है, कोरोना में ये डिसेबल होते हैं, डिसेबल क्या होते हैं, स्कूल रेस्टोरेंट बंद होते हैं, ये स्कूल और रेस्टोरेंट में अपना मैजिक दिखा के अपना रोज़गार चाहते थे। पाकिस्तान में जहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है, वहाँ पे अगर बात करें तो पाकिस्तान में टैलेंट की कदर भी नहीं है, तो इनसे जानेंगे। ये एक बहुत बड़े पाकिस्तान में अब कपड़े के डीलर हैं, होल सेलर हैं, इनके पास मास्टर कॉपी ब्रांड, पाकिस्तान के हर कंपनी की मास्टर कॉपी ब्रांड मौजूद हैं। इनसे जानेंगे ये म्यूजिशियन से कपड़े के होल सेल डीलर क्यों बने और क्या वजह पेश आई कि ये म्यूजिशियन से होल सेल डीलर बन गए, और इनकी ये लाइफ कैसे मूव हुई और कब से मूव हुई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपने हमें टाइम दिया है। हमारी नाज़रीन को बताएँ, आप इतना अच्छा मैजिक करते हैं, रेस्टोरेंट में बैनल कॉमी सतह पर आपने परफॉर्म किया है, यूरोप कंट्री में भी आपने परफॉर्म किया है, तो इतना बड़ा आपके पास फन है, तो आपने ये कपड़ों का कारोबार क्यों स्टार्ट कर लिया? ये सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास तशरीफ़ लेके आए हैं, और दूसरी बात यह कि कोविड आपको पता है पूरे दुनिया में इसका काम ख़राब हो गया, तो मैं मैजिक शो करता था, 16 साल मैंने मैजिक शो किया है, अपने वालिद साहब से मैंने सीखा है, और 26,000 बर्थडे पार्टीज में कर चुका हूँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर बर्थडे पार्टीज में कर चुका हूँ, जो मेरे पास रिकॉर्ड है। ठीक है, उसके बाद 2019 में कोरोना वायरस आ गया, तो पूरा साल मैं बिल्कुल फारिग था, क्योंकि अब जैसे आपको पता कोविड कोरोना वायरस जो है वो दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे थे, महीना 2-3 महीने तक बढ़ता गया, तो मैं इसी वेट में था, लेकिन वो कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ, तो मैंने फिर थोड़े से पैसों में कपड़े का काम स्टार्ट किया, तो कपड़े का काम मैंने स्टार्ट किया दोस्त के मशवरे के साथ, तो आज अल्लाह का शुक्र है मैं सुपर होलसेल पे काम कर रहा हूँ। अच्छा दिल में मुझे बताएं, आप डीमोटिवेट नहीं हुए, आपने ये काम म्यूजिशियन का काम आप जानते हैं मैजिक करते हैं, बड़ा फन है, लोग देखते हैं, इसमें बड़ी कदर है इस चीज़ की, लेकिन आपने उस फील्ड को भी साथ में रखा, उसको लीव भी नहीं किया और कारोबार को स्टैंड ओवर कर लिया, ये बड़ा मुश्किल होता है अपनी एक मैं कहता हूँ कि शोबज़ की लाइफ को मूव करके, तो ये लाइफ को बना लिया, कारोबार कर लिया, ये कैसे हुआ? ये सबसे पहले तो आपको पता है कि इस रिस्क में रिस्क हलाल है, ये कपड़े का काम रिस्क हलाल है, तो इसलिए मैंने ये कपड़े का काम में ज़रा मैं इंटरेस्ट हुआ थोड़ा सा, क्योंकि सारी ज़िंदगी मैंने मैजिक शो ही किया, पहले मेरे वालिद साहब करते थे फिर मैंने स्टार्ट किया, 16 साल हो गए मुझे स्टार्ट करते हुए, तो ये इस काम का तो मुझे ज़रा भी नॉलेज नहीं था, लेकिन अल्लाह का शुक्र अब मैं सब कुछ जानता हूँ। कब से आपने ये काम स्टार्ट किया, ये कपड़े का होल सेल डीलिंग का? मुझे को 2.5-3 साल हो गए हैं जब से, उसके बाद 6-7 महीने साल मैं बेरोज़गार रहा, उसके बाद मैंने थोड़े से पैसे में काम स्टार्ट किया, आज अल्लाह का शुक्र है लोगों को भी रोज़गार दे रहा हूँ। माशाल्लाह नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि म्यूजिशियन है, मैजिक करते हैं, लेकिन ये है कि कोरोना की लहर आती है, डीमोटिवेट नहीं होते, अपने आप को स्टैंड ओवर करते हैं, इतना बड़ा कारोबार कर नाज़रीन मैंने देखा है, तो मैंने कहा यार मैं कि कपड़े गांव में आ गया हूँ, ये एक मैजिक शो नहीं हो सकता, लेकिन मैंने देखा है कि मैजिक भी ये करते हैं, लेकिन कपड़े का इतना बड़ा सेटअप है कि मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में ये कपड़ा फ्राहम कर सकते हैं। तो अदील भाई हमारी नाज़रीन को अपना फ़न दिखाएं जिसके लिए हम आए हैं। जी तो नाज़रीन, अदील भाई जिस नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, शो करते हैं, म्यूजिशियन है, मैजिक करेंगे, हमारी नाज़रीन को दिखाएंगे कि इनके पास क्या फ़न है। जी अदील भाई क्या करना चाहेंगे? जी सबसे पहले ये देखिए मैं आपको एक मैजिक दिखाऊँगा, मेरे पास एक मोबाइल है जी, ये देखिए एक मोबाइल है मेरे पास, ठीक है, और ये मोबाइल जो है मैं इस बॉक्स के अंदर डालूंगा, ठीक है, ये देखिए इस बॉक्स के अंदर मैंने मोबाइल डाला और इसके ऊपर हम मैजिक करेंगे, एब्रा कैडब्रा गिली गिली छू, और ये मैं दोनों साइड से बिल्कुल खाली दिखाऊंगा, ठीक है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खाली है, खाली है, खाली और है। इसके अंदर से मैं सूट निकालूंगा, टू पीस ही देखते मोबाइल को देखे मोबाइल ये टू पीस बन गया। ये कैसे चीज़ें आप कर लेते हैं, मैं कहता हूँ बड़ा ये मैं ऊपर खड़ा हूँ मुझे नहीं पता चला ये क्या होगा, ये क्या चीज़ें हैं, ये सारे आपके सामने अल्लाह का शुक्र है कपड़े ऐसे बनते जा रहे हैं माशाल्लाह, मुझे लगता है ये मैजिक कर करके उन्होंने गोदाम बना लिया। वो निकाला जो 650 रुपये का हम लोग सेल कर रहे हैं और मार्केट में इसका 850 रेट है, 850 रेट है। स्लिपदारों को जो मेरे बहन भाई बेरोजगार हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक हो गया। और कोई फन दिखाना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? मैं आपको ये सूट निकालने के बाद ये बॉक्स भी खाली दिखा दूँ, कहीं कहीं मोबाइल कहीं इस बॉक्स के अंदर ना हो, ये देखें, ये देखें ये बिल्कुल खाली है,
उन्होंने मोबाइल डाला है, मोबाइल को आपके सामने डाला है उस बॉक्स के अंदर, ठीक है, तो मोबाइल की जगह से उन्होंने सूट निकाला है, तो मुझे लगता है आपने सारे सूट यहाँ से निकाले। बिल्कुल ऐसे बनाए हैं। इसके भाई एक और मैजिक मैं आपको दिखाने लगा हूँ। जी नाज़रीन एक और मैजिक है, जरा देखते जी। बस एक बॉक्स है, ये सबसे पहले मैं आपको बाहर वाला बॉक्स दिखाऊंगा। ये देखो, ये देख सकते हैं बिल्कुल खाली मेरा हाथ देखते हैं, ये बिल्कुल खाली है, देखें ठीक हो गया, ठीक है। और इसके बाद मैं इसके अंदर वाला बॉक्स दिखाऊंगा, ये देखें ये भी बिल्कुल खाली है। नाज़रीन ये देखें मेरा हाथ, ये देखें ये बिल्कुल खाली है, ये बिल्कुल खाली है। और इसके ऊपर हम मैजिक करेंगे, ये देखें इसके ऊपर मैजिक करेंगे, एब्रा के डैब्रा गिली गिली छू। और इसके अंदर से भी मैं आपको ये देखें, और बॉक्स में आपको फिर खाली दिखा देता हूँ। बॉक्स देखिएगा फिर नाज़रीन, बिल्कुल खाली है, ठीक हो गया जी। और इसके बाहर वाला भी दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल खाली है। ये देखें नाज़रीन आपके सामने मैं ऊपर खड़ा हूँ, तो मुझे नहीं समझ आ रही है क्या हो रहा है। मुझे लगता है ये सारे सूट आप यहाँ से निकालेगा कि कस्टमर को बेची जा रहे हैं। हम बेसिकली बेरोजगारों के लिए हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। जादू से जो आप सूट निकाल रहे हैं नाज़रीन को बेच रहे हैं, ये भी हम कह सकते हैं। कितने का सूट दे रहे हैं आप? हम दे रहे हैं 650 रुपये का लिनन का टू पीस और मरीना का टू पीस। जो ये बाहर का रेट है 850-900 रुपये का मार्केट में सेल होता है। क्या डिफरेंस दे रहे हैं आप हमारे नाज़रीन? 650 का दे रहे हैं जो मार्केट में इतने का सेल होता है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर रीसेलर आते हैं, जो घरों में मेरी बहनें काम कर रही हैं, भाई काम कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। जो ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं उनके लिए भी हमारे पास फैसिलिटीज़ है। और हमारे नाज़रीन को कुछ दिखाना चाहिए अपने जादू से, सूट तो आप निकाल रहे हैं कुछ और दिखा, बॉक्स तो खाली दिखाया मैंने, एक दफ़ा फिर नाज़रीन देखें जी आपको बॉक्स दिखाते हैं जी। ये बिल्कुल खाली है, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें बिल्कुल खाली, ये बिल्कुल खाली है जी, देख सकते हैं आप ये देखें, ये भी फिर खाली है। ये आपके सामने मैं ऊपर खड़ा हूँ नाज़रीन, मुझे मैजिक करेंगे एब्रा के डैब्रा गिली गिली छू। और इसके अंदर से देखें एक और टू पीस निकला नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये मैं ऊपर खड़ा हूँ, अनबिलीवेबल चीज़ें हैं यार। अदील भाई मुझे कन्फ्यूज कर दिया आपने, ये कैसे चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा मेरे पास। बर्ड्स वाले 6-7 आइटम्स, तो बर्ड वाले कबूतर वाले मेरे पास हैं, उसके बाद रिंग वाला है, फूलों वाला है, पानी निकालने वाला, कागज खाने वाला, बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं। इसमें कुछ पढ़ा जाता है, मंत्र वगैरह पढ़ा जाता है? बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ ट्रिक्स होते हैं ये, बिल्कुल ट्रिक्स होते हैं। मैं ऊपर खड़ा हूँ तो मैं ये ट्रिक नहीं जज कर सका, लेकिन मैं कहता हूँ कि इनको दाद देनी पड़ेगी। ये म्यूजिशियन है इतने बड़े, लेकिन ये देखे कपड़े का काम कर रहे हैं, और ये कपड़े भी जादू से निकाल करके हमारी नाज़रीन को सेल आउट कर रहे हैं। मेरे कस्टमर आते हैं, वो अल्लाह का शुक्र है बड़े खुश होते हैं, जो सेल करने के लिए आते हैं उनको मैजिक भी दिखा दे, कहते हैं हमने आपकी वीडियो देखी है तो हमें मैजिक भी दिखाए हैं, फिर हम उनको मैजिक के लिए ये आइटमें यहाँ पर रखी हुई हैं। अपने कस्टमर को ये मैजिक भी दिखाते हैं, सूट भी सेल आउट करते हैं, और उनको इंटरटेन भी करते हैं। कोई लास्ट मैसेज हमारी व्यूअरशिप को देना चाहें अपने ये गोदाम के हवाले से, अपने मैजिक के हवाले से? सबसे पहले तो मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, जो बच्चे स्कूल में बर्थडे पार्टीज में आते हैं उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ उनको। और दूसरा मैसेज ये है कि आप बेरोज़गारों के लिए है कि जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, वो 5-10 हज़ार से काम मेरे पास आए, मैं उनको 5-10 हज़ार से काम स्टार्ट करवाऊँगा। जो चीज़ आपकी सेल नहीं होती वो उनको, ये उनके लिए ये ऑफर है कि आप मेरे पास चीज़ लेके आएँ, रिटर्न जो चीज़ सेल होने वाली है वो आप हमसे चेंज करके दूसरी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कपड़े के वाले से लोगों ने कोई परचेज़ करना हो, आपसे कॉन्टैक्ट करना हो, तो क्या है उसका लिंक है? वो मेरा नंबर है, उनको कॉल करें, व्हाट्सअप नंबर हमारा 24 घंटे ऑन होता है। ठीक है, एक दफ़ा वॉइस ओवर कर दें अपना नंबर हमारे नाज़रीन को। नंबर है 03004310038। नाज़रीन आपने देखा है दिल पर मार्सा मौजूद थे, इनकी बड़ी एक मोटिवेशनल स्टोरी है, सैड स्टोरी भी कह सकते हैं, मोटिवेशनल भी कह सकते हैं। सैड इसलिए है कि इतने बड़े म्यूजिशियन हैं, कारोबार क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कारोबार देखा है तो मैं म्यूजिशियन भूल गया हूँ, लेकिन साथ साथ में इंटरटेन भी करते हैं अपने कस्टमर को। और सूट यहाँ से निकाल कितना बड़ा गोदाम बना लिया, इसमें कोई शक नहीं है, ये बाहर से नहीं खरीदते। तो जो इनके जो बंदा है इनका गोदाम विजिट करना चाहता है, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, इनसे रब्ता कर सकते हैं।